माशाल्लाह दो बच्चे हैं और एक अंडा पड़ा। ये पिंजरे के अंदर नहीं रह सकती मुर्गियां। वो देखो यार, ये सील यार कबूतरों को बहुत ज्यादा तंग कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब कैरियर से होंगे। तो यार सीन कुछ ऐसे है कि आज भाई हमने करना है सेटअप टूर। सुबह से ना इतनी ज्यादा धुंध थी तो यार मैं वीडियो नहीं बना सका अभी, यानी कि कुछ धूप निकली है, धुंध वगैरह सारी खत्म हुई है, तो भाई मैंने वीडियो बनानी शुरू की है। तो पिंजरों को भी मैंने नहीं खुला था। ये देखो यार कितनी ज्यादा उतावली हुई है भाई रहने के लिए, तो पहले इसे ही निकालते हैं भाई। चलो जी आ जाओ आ जाओ आ जाओ, इन्हें बहुत शौक है भाई रहने का। भाई ये पिंजरे के अंदर नहीं रह सकती मुर्गियां। ये देखो माशाल्लाह, इन्हें भाई अंदर सुकून नहीं है, इन्हें बाहर आके सुकून मिलता है। असल में अंदर यार इन्हें ना सही तरह से खाना वगैरह भी नहीं दिया जाता है, इसी वजह से ये बाहर आना यानी कि ज़्यादा पसंद करती हैं, इसलिए मैंने बाहर निकाल दिया इन्हें। तो कबूतरों को भी देखते हैं। माशाल्लाह हमारे एक कबूतर ने बच्चे दिए हुए हैं, दो अंडों में से दो बच्चे निकल आए हैं माशाल्लाह, वो भी आपको दिखाते हैं। ये देखें जी एक और अंडा आ गया माशाल्लाह। ये किधर की कबूतरी, ये वाली कबूतरी ने दिया माशाल्लाह, ये आपको दिखाते हैं। ये देखें माशाल्लाह दो बच्चे हैं और एक अंडा पड़ा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। अभी थोड़े थोड़े से इनके बाल आए हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद दोबारा आ जाएंगे और बाल। तो ये वाली मादी है और ये वाला मेल है, तो इनके बच्चे हैं माशाल्लाह। इन्होंने दोबारा एक अंडा दे दिया, अभी बच्चे भी इनके हैं, तो देखते हैं क्या बनता है। यार ये वाली दोनों फीमेल लग रही हैं मुझे, तो इंशाल्लाह ना एक दो दिन तक इनके लिए यहाँ दो मेल ले आऊँगा, या इनके ये एक फीमेल वापस करके उसके लिए ना एक यानी कि मेल ले आएंगे, तो फिर इसका कंप्लीट कर लेंगे। और यार ये वाले दोनों बहुत ज़्यादा शैतान है, सारे कबूतरों को मारते हैं क्योंकि ये जंगली है ना। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन्हें आज़ाद कर दूँ, लेकिन यार इन्हें आज़ाद भी नहीं कर सकते क्योंकि इनके ना पर कटे हुए हैं, तो इन्हें मैं जहाँ पे मर्जी छोड़ूँ ये उड़ ही नहीं सकते। तो ऐसा मैं करूँगा कि ना इन्हें दे के मार्केट में कुछ और ले लूँगा, परिंदे वगैरह या कुछ भी, इसे वैसे ही किसी को दे देंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों इस कबूतरी के काम चेक करो कहाँ पर बैठी है, इसे यहाँ से उठा देते हैं। तो यार अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी जल्दी से प्रेस कर दो। तो दोस्तों ये मैंने रात को बल्ब लगाया था क्योंकि यार रात को इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी कि यार कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इनका टेम्परेचर कैसे कंट्रोल किया जाए। तो यार इन्हें ना मैंने रात को बल्ब लगा दिया था, एक यहाँ पे लगाया था और एक दूसरे वाले केज में जो बड़े वाले केज में थे वहाँ पे लगाया था। तो माशाल्लाह रात को यानी कि काफ़ी टेम्परेचर कंट्रोल हो गया था। वैसे तो केज के चारों साइड पर ना मैंने ये यानी कि शीट लगाई हुई है, प्लास्टिक शीट, ताकि यार इनका ना हवा वगैरह पास ना हो अंदर और सर्दी इतनी ज़्यादा ना हो। लेकिन यार रात को इतनी ज़्यादा सर्दी हो गई थी कि यार मुझे बल्ब लगाना पड़ा, तो भाई बल्ब लगाया और माशाल्लाह से अच्छे से रात को कवर किया था, ये यानी कि प्लास्टिक लगा दिया था ऊपर और अच्छे से कवर कर दिया था। तो रात को तो इनका गुजारा हो गया, लेकिन यार इसका प्रॉपर हल करना पड़ेगा मुझे। तो दूसरे परिंदे भी आपको दिखाता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से परिंदे हैं। पहले तो एक एक करके मैं इन सब का यानी को बताता हूँ को क्या क्या मेरे पास परिंदे हैं। एक ये मेरे पास सील का पट्ठा है माशाल्लाह, बहुत ही प्यारा पट्ठा है, और ये गाइनी फॉल्स है, एक पेयर है मेरे पास, और एक वो गोल्डन बफ मुर्गा है, बहुत ही प्यारा मुर्गा है यार, लेकिन इतना शैतान है कि भाई ना पूछो, क्योंकि हर परिंदे के साथ इसने पंगा लेना होता है, हर परिंदे को ये मारता है। और एक ये गोल्डन ये जो मिस्री मुर्गी होती है वो लड़ पे ही वही लड़ाई बहुत ज़्यादा होती है यहाँ पे, क्योंकि परिंदे मेरे पास ज़्यादा है माशाल्लाह, तो इसी वजह से ना बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ होती हैं। तो सील जो है ना वो तकरीबन हर परिंदे को मारता है और ये गोल्डन बफ हर परिंदे के साथ लड़ता है। तो ये वो एक देसी मुर्गा है माशाल्लाह हमारे पास एक, और ये देखें जी अभी पट्ठा है, लेकिन इंशाल्लाह दो तीन माह में बिल्कुल तैयार हो जाएगा। वो यार मुर्गी अंडे ना ज़ाया कर दे, चल भाई निकल चल, चलो यार वहाँ पे अंडा पड़ा है एक और माशाल्लाह दो बच्चे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो ज़ाया हो जाएं, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यार मुर्गियाँ अंदर ना ही जाएं, लेकिन मुर्गियाँ फिर बार बार अंदर जाती हैं। भाई निकलो, ये बंद कर देते हैं, थोड़ी देर बाद दोबारा खोल देंगे जब कबूतर आ जाएंगे। ये तो ये बंद कर देता हूँ यार, क्योंकि ये खुला रहा तो मुर्गी अंदर जाके ना अंडों को और बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, इसलिए मैंने इसे बंद कर दिया। तो आपको दूसरे परिंदे दिखाता हूं जो इस वाली कलोनी में मैंने रखे हुए थे, पिछली वीडियो में मैं नहीं दिखा सका, तो मैं इस वीडियो में इंशाल्लाह दिखाता हूं आपको कि मेरे पास कौन कौन से परिंदे हैं। यार लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हो रही हैं आज, पता नहीं क्या मसला है इन्हें। तो
ये दूसरे वाले केज में आ गए हम माशाल्लाह। ये बड़ा केज है उस वाले केज से। तो सबसे पहले आपको मिलवाते हैं जी चिंटू मिंटू से। ये है हमारे चिंटू भाई और ये है हमारे मिंटू भाई। ये यानी कि पूरा जोड़ा है माशाल्लाह। मेरे पास एक मास है अभी तक, इन्होंने अंडे बच्चे तो नहीं देना शुरू किए, मेरे ख्याल से छोटे हैं। तो इंशाल्लाह कुछ देर बाद ये बड़े हो जाएंगे, फिर यानी कि अंडे बच्चे वगैरह देंगे। और बाकी हमारे पास एक ये जोड़ा है माशाल्लाह डब का, बहुत ही प्यारा जोड़ा है। इससे पहले मैंने बंद करके रखा हुआ था दूसरे पिंजरे के अंदर ना, छोटे वाले पिंजरे के अंदर, लेकिन अभी मैंने ना इसे बड़े वाले केज के अंदर छोड़ दिया ताकि यार ये फ्लाई वगैरह कर सकें। तो अभी ये यहीं पे है माशाल्लाह। और ये हमारे पास एक चीज़ है एग्जीबिशन का, माशाल्लाह वो उड़ गया। तो दोस्तों ये मैंने यानी कि बर्तन सा रखा हुआ है चिंटू मिंटू के लिए। चिंटू मिंटू यहाँ पे बैठ जाते हैं रात को। और आपको दिखाते हैं और दूसरे परिंदे। तो सबसे पहले ये दिखाते हैं, ये माशाल्लाह हमारे पास रिंगनेक का पेयर है, बहुत ही प्यारा पेयर है। ये ना ब्रीडर पेयर है, लेकिन अभी तक इनका मेरे ख्याल से सही तरह से सीजन नहीं आया, इसी वजह से मैंने बॉक्स नहीं लगाए इन्हें। तो एक दो दिन तक इंशाल्लाह ऐसे भी बॉक्स लगा देंगे। बॉक्स तो मेरे पास पड़ा है, लेकिन यार आजकल टाइम भी कुछ नहीं हो रहा है एडजस्ट, इसी वजह से इनकी ना सही तरह से देखभाल नहीं कर पा रहा मैं। और ये माशाल्लाह हमारे पास कॉकटेल का पेयर है, ये ग्रे का मेल है और येलो में फीमेल है। यार आज पता नहीं क्या मसला है, सारे परिंदे बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं। ये मुर्गा गोल्डन बफ मुर्गा बहुत ज़्यादा लड़ रहा है, और ये गाइनी फोज ने ना दूसरे परिंदों को बहुत ज़्यादा मारना शुरू किया हुआ, पता नहीं क्या मसला है इन्हें। चलो बाद में देखते हैं, पहले आपको दूसरे परिंदे भी दिखाते हैं। तो ये हमारे लबड़ का केज है, लबड़ माशाल्लाह से अंदर जाके बैठ गया, तो आपको वो भी दिखाता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह लुटिनो पर्सनाटा का पेयर है, रेड है इसमें यानी कि मेल है और स्प्लिट में फीमेल है माशाल्लाह। इसकी केज को पहले बंद कर दूँ। चलो जी, और ये हमारे पास कुछ ऑस्ट्रेलियन के पेयर्स लगे हुए हैं एक दो, तो ये है। और ये होगोरोमो का मेल है, इसकी फीमेल कहाँ गई, ये इसकी फीमेल बैठी है माशाल्लाह। तो ये भी ब्रीड भी आई है इंशाल्लाह, इसने भी अंडे वगैरह देने हैं, क्योंकि मैंने देखा था ना कल यहाँ पर बैठी थी तो अभी तक अंडा नहीं आया, लेकिन इंशाल्लाह इसका अंडा भी जल्द आ जाएगा। और ये माशाल्लाह ऑस्ट्रेलियन पैरेट का एक बच्चा निकला हुआ है, ये दिखाते हैं आपको। आ जा भाई, आ जा, ये पकड़ा काट ना ले, ओए काट नहीं। ये देखो जी माशाल्लाह बहुत ही प्यारा बच्चा है, ये देखें जी काट रहा है मुझे, लेकिन इसकी चूँ छोटी है इसलिए इसी वजह से ना ज़्यादा यानी कि दर्द वगैरह नहीं हो रही माशाल्लाह। इसे वापस रख देते हैं। चलो जी, अभी पर भी इसके पूरी तरह से नहीं आए, ये देखें ना आप, पूरे इसके अभी तक पर नहीं आए, तो इसे वापस रख देते हैं। इंशाल्लाह 15-20 दिनों तक ही इसका मुकम्मल तैयार हो जाना। चलो माशाल्लाह यार बहुत ही प्यारा सीन है, सारे परिंदे मेरे ना छत पर घूम रहे हैं, क्योंकि बड़ी छत है, इसी वजह से ना कोई परिंदों को मसला नहीं होता कि यानी कि इन्हें साथ वालों के घर जाना पड़े या कुछ और। और मिट्टी का भी इंतज़ाम हमने किया हुआ है, मिट्टी का इंतज़ाम हमने इस तरह किया है कि यार हमने एक साइड पे मिट्टी डाल दी है, जिस परिंदे का दिल कर रहा होता है भाई मिट्टी में जाने के लिए तो वो मिट्टी में चला जाता है और वहाँ पे जाके खेल के वापस आ जाता है माशाल्लाह। तो यार एक और था सीन, ये निकला। चलो जी इसको खोलते हैं, पहले इसको भी खोलना पड़ेगा। ये हमारा पेयर है, ये मैंने पिछली वीडियो में आपने देखा होगा पेयर लगाया था, तो पता नहीं इनका पेयर लगा कि नहीं है, तो इन्हें भी बाहर निकाल देते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ माशाल्लाह। चलो जी, ये मुर्गी बहुत उतावली है यार, पानी भी गिरा दिया इसने। ये मेल को भी बाहर निकाल देते हैं। आ जाओ। चलो यार, ये मुर्गियाँ मुझे ना भूखी लग रही हैं, तो जाके नीचे से दाना लेके आता हूँ, क्योंकि दाना यार इनका ख़त्म हो गया हुआ, तो इन्हें कुछ बचा था मेरे पास कल थोड़ा सा, तो वो डाल देते हैं। जाके पहले दाना लेके आते हैं नीचे से। दोस्तों ये मैं दाना लेके आया हूँ, इसके अंदर दाना है, परिंदों का जो दाना बच जाता है ना यानी कि रिंगने वगैरह का, तो ये मैं इसके अंदर डाल लेता हूँ ताकि यार मुर्गियों को खिलाया जा सके। तो ये डाल देते हैं मुर्गियों के लिए। चलो जी, मुर्गियाँ खा रही हैं माशाल्लाह। इसके काम चेक करो यार, ये क्या कर रही है,
दोस्तों ये मेरा कंप्लीट बर्ड सेटअप है माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सेटअप है, छोटा सा सेटअप है लेकिन यार अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही प्यारा सेटअप है। ये कुछ यहाँ पे परिंदे हैं मेरे और कुछ यहाँ पे परिंदे हैं माशाल्लाह। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। अगर यार आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर दो ताकि यार आपको मज़ीद वीडियो ऐसी मिलती रहें। तो अस्सलाम वालेकुम करते हैं यार, अल्लाह हाफिज़।